आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी नाम धराई। अब तक आपने सुना जानकी और धनिया के पुत्र का नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण संस्कार के दौरान मुखिया और जानकी के बीच बहस छिड़ जाती है। मुखिया के द्वारा जानकी पर जानलेवा हमला कराया जाता है, लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं। गांव में इंस्पेक्टर पहली बार आए थे। यहां तक कि आज तक कभी पुलिस ने गांव में कदम भी नहीं रखा था। पुलिस को देखकर सभी गांव वाले और मुखिया हैरान थे। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्हें जानकी ने बुलाया है। इंस्पेक्टर को मुखिया के विरुद्ध सबूत दिखाने के लिए जानकी इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को हवेली की ओर ले जाती है। हवेली की ओर जाते हुए जानकी और पुलिस वालों के पीछे पीछे मुखिया और उसके पीछे सारे गांव वाले चल पड़ते हैं। हवेली के सामने पहुंचते ही सारे गांव वाले अपने पैरों से चप्पल और जूते उतारकर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आगे मुखिया बीच में ही बोल पड़ा, ये कोई मेरी दादागिरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये तो गांव वालों का मेरे प्रति सम्मान है। जो हवेली के सामने आते ही सभी ने अपने जूते चप्पल उतार कर अपने हाथों में ले लिए। जानकी, अच्छा यदि ये सम्मान है तो क्या ऐसा सम्मान ना करने पर कोई इस सुल्तान जैसा हाल बनाता है? जानकी ने पास खड़े सुल्तान के पैर की ओर इशारा किया, जिसका पंजा पूरी तरह से कुचला हुआ था। इस कारण वह अपने एक पैर को घसीट कर चल रहा था। इंस्पेक्टर, ये मुखिया जी ने किया है? जानकी, हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने हवेली के सामने से निकलने के पहले भूलवश चप्पल पहन रखी थी। उसके बाद इन्होंने इसका पैर पत्थर से कुचलकर सम्मान ना करने का दंड दिया है। इंस्पेक्टर ने मुखिया की ओर देखा। मुखिया ने तुरंत कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मैंने किया है? क्या इस सुल्तान की इतनी हिम्मत हो गई ये मेरे खिलाफ बोलेगा? कहते हुए मुखिया ने सुल्तान की ओर देखा तो सुल्तान ने अपना सिर नीचे कर लिया। जानकी, क्या इतना सबूत काफी नहीं कि इस समय पूरा गांव डर के कारण अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर खड़ा है? मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, इस पढ़ी लिखी औरत को यह भी समझ में नहीं आता है कि सबूत किसे कहते हैं। कोई यदि अपने जूते चप्पल हाथ में ले ले तो क्या वह मेरे खिलाफ सबूत हो जाएगा? बात खत्म करते हुए मुखिया गंभीर हो गया और फिर इंस्पेक्टर से बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत हुआ, इस गांव में मेरी इज्जत और सम्मान है। एक औरत के कहने पर तुम इस तरह से मेरी इज्जती नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, जानकी जी, आपके पास क्या कोई यही सबूत था जिसके लिए हम लोगों को बुलाने के लिए आपने मास्टर जी के हाथ से पत्र भेजा था? मुखिया, अच्छा तो इसमें मां साहब भी शामिल है? जानकी, नहीं, इसमें वो शामिल नहीं है। उन्हें मालूम भी नहीं था कि चिट्ठी में मैंने क्या लिखकर भेजा है। मैंने उनसे चिट्ठी थाने में देने के लिए आग्रह किया था, बस। मुखिया, निकल गई तेरी योजना की हवा या कुछ और बाकी है? अब ये पुलिस वाले तो चले जाएंगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तो इसी गांव में रहना है। और हाँ, तेरे बिटवा के नाम धराई का क्या होगा? बात खत्म करते ही मुखिया जोरों से हंसा, साथ में लठैत ने भी साथ दिया। सारा गांव मुखिया को मन ही मन कोस रहा था, लेकिन मुखिया के विरुद्ध कुछ बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। जानकी ने सभी गांव वालों की ओर देखा, लेकिन धनिया के अतिरिक्त कोई उसका साथ देने वाला नहीं दिखा। इंस्पेक्टर अन्य पुलिस वालों से बोला, इस लठैत को साथ में ले चलो। मौके पर यह जानकी पर जानलेवा हमला करते हुए पाया गया था,
लठैत ने मुखिया की ओर देखा तो मुखिया ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। दो पुलिस वालों ने लठैत से उसका लठ छीना और उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर, मुखिया जी, कोई सबूत ना होने के कारण आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा उससे व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे यही लगता है कि ये औरत झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए आइंदा संभल कर रहिएगा, हमारी नज़र आप पर रहेगी। मुखिया कुछ बोल पाता उससे पहले ही जानकी बीच में बोल पड़ी, इंस्पेक्टर साहब, लठैत को अकेले मत ले जाइए, कुछ समय और रुक जाइए, इसके बाद मुखिया को भी ले जाइएगा। इंस्पेक्टर और मुखिया सहित सारा गांव एक बार फिर जानकी की ओर अचंभित भाव से देखने लगा। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी, नाम धराई। क्या जानकी के पास मुखिया के विरुद्ध और सबूत है? जानने के लिए सुनते रहें नाम धराई।